दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जोश एप्लीकेशन पर आप फास्ट मोशन वीडियो कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ही जानना चाहते हो कि जोश एप्लीकेशन पर हम अपनी जो है फास्ट मोशन वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जोश एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद गाइस आपके सामने जोश एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल का कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनको यूज़ करके दोस्तों आप जोश ऐप पर फास्ट मोशन वीडियो बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक सॉन्ग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आप किसी भी सॉन्ग को अपनी वीडियो के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आप जिस भी सॉन्ग को ऐड करना चाहते हो सिंपली आपको उस सॉन्ग पर क्लिक करना है और जो है आपकी वीडियो में जो है सॉन्ग ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर किसी एक सॉन्ग को यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉन्ग पर क्लिक करने के बाद आपको यूज़ पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में यहाँ पर सॉन्ग ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ब्यूटी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी वीडियो में ब्यूटी इफेक्ट डाल सकते हो। और गाइस फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी वीडियो में जिस भी तरह का फिल्टर ऐड करना चाहते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपनी वीडियो के आप जिस भी तरह का फिल्टर यूज़ करना चाहते हो यहाँ से आप फिल्टर ऐड कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर जो है स्पीड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आप फास्ट मोशन वीडियो बना सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर फास्ट और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है लैप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप नॉर्मली फास्ट मोशन वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली फास्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप वीडियो को रिकॉर्ड करके आप नॉर्मली फास्ट मोशन वीडियो बना सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप और भी ज़्यादा फास्ट मोशन में वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लैप्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर जो है फास्ट मोशन ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फास्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली इस ऑप्शन पर टैप करके रखना है और जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो गाइस आपकी वीडियो जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो है वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप भी जो है अपनी वीडियो को यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपको टिक ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वीडियो जो है रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो, अपनी वीडियो को कट करके एडिट भी कर सकते हो। और गाइस इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी वीडियो में जिस भी तरह का इफेक्ट डालना चाहते हो यहाँ से आप अपनी वीडियो को जिस भी पार्ट में इफेक्ट ऐड करना सिंपली गाइस आपको इफेक्ट पर क्लिक करना और वीडियो में इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है टिक पर क्लिक करना है। इसके अलावा गाइस टेक्स्ट, स्टिकर और म्यूजिक ऑप्शन को यहाँ पर आप अपनी वीडियो में यूज़ करके आप अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा एडिट कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना और यहाँ से आप अपनी वीडियो को जोश ऐप पर अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर अपनी वीडियो का हैशटैग यूज़ करने के बाद जैसे आप पोस्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो जोश ऐप पर अपलोड हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जोश एप्लीकेशन पर बड़ी आसानी से आप फास्ट मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।